इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर उसके ही पिता पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी ही सगी बेटी के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। ये बात पीड़िता ने अपने मां को बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। इंदौर से अभिजीत सिंह और दीपक सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बेटी ने अपने पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो उनसे कभी कभी अश्लील बातें करते तथा अश्लील बातों में ये बोलते हैं कि तू वैसा ही कर जैसी तेरी मम्मी मेरे साथ करती है, और मम्मी भी तेरी मेरे पास होती है, और जब तेरी मम्मी नहीं रहे तो तू मेरे पास सोया कर। इसी प्रकार कल दिनांक को भी जब उसकी प्रार्थिया की मम्मी बाहर गई थी तो लड़की के पिता द्वारा अपने कपड़े निकाल के लड़की से मांग की गई कि तू आ जा और मेरे साथ सो जा, तथा उसके गलत नियत से उसको हाथ लगाया तथा गलत काम करने के लिए बोला भी तथा प्रयास भी किया। उसके बाद उसने अपनी ये बात अपनी मम्मी को बताई। फिर आज दिनांक दोनों माँ बेटी थाना परदेसीपुरा में आए और उनकी रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। पिताजी का क्या बैकग्राउंड का, कोई नशे वगैरह करता था? हाँ, पिताजी का ये बैकग्राउंड है कि वो दिन भर नशे में रहता है, और जो बच्ची है वो पढ़ाई करती है और माँ कहीं पे काम करती है। तो प्रथम दृष्टया तो या तो ये प्रतीत होता है कि नशे में पिता कर रहा है या फिर जानबूझकर कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।